यहाँ पे चल रही है पॉलिटिक्स, अपने धंधे चलाता है जो उसके दो नंबर के धंधे हैं सारे। फ्री कुछ नहीं है, पानी का बिल दिया है आज 3800 रुपए और बिजली का बिल भी दे रहे हैं सब लोग। आदमी बड़े बूढ़े चलते हैं तो गिरते हैं, गाड़ी है उनका बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होके सब बेकार हो रही है, और वोट हमने दिल जान से दी है और आगे आएंगे ना तो करारा जवाब मिलेगा। कूड़ा करकट और ले आगे डाल दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारी हैं यहाँ पे इन गलियों में ही टूट जाती हैं। क्या अगली बार जब विधायक जी को वोट चाहिए होंगी तो फिर उनके सड़क भी बनती रहेंगी और उनके जहाँ जहाँ पैर चलते रहेंगे वहाँ जरूर सड़क बनेगी। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा में रोशनपुरा वार्ड के रोशन गार्डन कॉलोनी में पहुँचे हैं, जहाँ पर लोगों को सड़कों को लेकर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि क्या कुछ दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। यहाँ पे चल रही है पॉलिटिक्स ये चल रही है कि पार्षद तो हैं बीजेपी के और विधायक है केजरीवाल सरकार से। वो विधायक ऐसा है कि वो यहाँ रहता भी नहीं है नजफगढ़ में, वो अपना वसंत कुंज में रहता है, कोठी में, अच्छी कोठी बना रखी है, अपना स्कूल चल रहा है उसका, वो अपने काम में बिजी है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या है कि केजरीवाल ने फ्री क्या है वो फ्री भी बता दो हमें एक बार। फ्री कुछ नहीं है, पानी का बिल दिया है आज 3800 रुपए और बिजली का बिल भी दे रहे हैं सब लोग। ऐसा कुछ भी फ्री नहीं है, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहा है। अगली बार केजरीवाल सरकार आएगी तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा बीजेपी से। बीजेपी सरकार आएगी फुल बहुमत में इस बार। यहाँ पे अभी एक महीने पहले पूरी कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर गए कैलाश गहलोत जी के पास, उनसे पूछा कि भाई सड़क क्यों नहीं बन रही, बोला बजट खत्म हो गया। उसका ये जवाब था बस एक, वो मिलता भी नहीं है किसी से नहीं मिलता। वो कोट पैंट पहन के अपने फिट रहता है, बस अपना स्कूल चलाता है, अपने धंधे चलाता है, जो उसके दो नंबर के धंधे हैं सारे वो सब चलते हैं उसके। कितने रोड़े हैं, आदमी बड़े बूढ़े चलते हैं तो गिरते, गाड़ी है उनका बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होके सब बेकार हो रही है, सब परेशान हो रहे हैं। हर कॉलोनी में गैस की पाइप बिछगी, यहाँ गैस पाइप नहीं बिछगी, इतना बुरा हाल कर रखा है। वोट मांगने आते हैं तब तो डेली हाथ जोड़ के वोट मांग लेते हैं, है? और उसके बाद में कोई पूछता नहीं है। बरसात के टाइम में कितना पानी भर जाता है, घर से नहीं निकलते बरसात के टाइम। हाँ, निकल नहीं सकते घर से, ये हाल है कॉलोनी का। खास कर हमारा रोशन गार्डन और सब रोड बन गए, खास कर रोशन गार्डन में रोशन गार्डन को तो विधायक जी रोशन गार्डन को तो ना विधायक कर रहा ना पार्षद कर रहा, ठीक है? ये देखो पूछता नहीं है कि ये हमारा काम नहीं है, और वोट हमने दिल जान से दी है, और आगे आएंगे ना तो करारा जवाब मिलेगा। रोशन गार्डन में तो आगे बोलते हैं अपने कैलाश गहलोत जी की भरत सिंह ने गोद ले रखी है, भरत सिंह ही बनाएगा उसको। अब बताओ भरत सिंह कहाँ से आएगा, पहले भरत सिंह था जब हमारी कॉलोनी में कोई समस्या नहीं थी, कोई भी समस्या नहीं थी जब भरत सिंह जिंदा थे। अभी नीलम कृष्ण पहलवान है उनको काम बताते हैं हम, वो यहाँ के काम करती है, विधायक जी नहीं करते, वो नहीं करते। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, इमरजेंसी में भी इन्हीं सड़कों से निकलना पड़ता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारी हैं यहाँ पे इन गलियों में ही टूट जाती हैं, और आने जाने में असुविधा होती है, और बाइक स्कूटर गाड़ियाँ सारी चलती रहती हैं, छोटे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, और ये गली टूटी हुई है, और 2 साल से कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। इन्फॉर्मेशन सबको पहुँचाई जा चुकी है, मेल की जा चुकी है, सारे काम हम कर चुके हैं, और एप्लीकेशन भी रिटर्न में फाइल कर हो चुकी है, बट यहाँ पर कोई सोल्यूशन हमें मिला नहीं है। यहाँ के विधायक कैलाश गहलोत हैं जो 6 विभागों के मंत्री हैं और दूसरी बार विधायक चुने जा चुके हैं, और ये काम 2 साल से ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है। और हमारे यहाँ से रोशनपुरा वार्ड से सत्यपाल मलिक निगम पार्षद हैं, उन्होंने अथक प्रयासों से NGT को भी और ऊपर SDM तक भी मिले पहुँचे हैं, सारी यहाँ की वीडियो भी डाली हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ कॉलोनी में। और कूड़ा करकट और ले आगे डाल दिया भराव के लिए, जो कि जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, और कोई आगे नहीं सुध ले रहा इसकी, हम बहुत परेशान हैं। ये हम देख रहे हैं, ये जो रोड की तस्वीर है ये थोड़ी कच्ची दिखाई दे रही है, तो सीमेंटेड कब बनी? सीमेंटेड का जी अभी तक फिलहाल तक तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, अभी 2 साल से टाइम इन्होंने बताया, अभी 2 साल हो चुके हैं। इससे पहले जो हमारे विधायक थे श्री भरत सिंह थे, उन्होंने ये गलियां बनवाई थी, बहुत बढ़िया कार्य किया था। उसके बाद से फिर ये रेगुलर जो है तकरीबन 2 साल से गलियां तोड़ दी, और बोला भाई सीवर डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे, सब कुछ करके कम्प्लीट हो चुका है। सीवर भी डल चुके हैं, लाइन भी चल चुकी है। उसके बाद इनको क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर सारे काम करने हैं तो नेक्स्ट स्टेप था भाई ये इसको कंक्रीट में बनाना और प्रॉपर जो है यहाँ पे सुविधा रख के भी लोग चल पाएं। उसके चक्कर में अब ये जो है ना तो इसको बनाते हैं, ना कोई यहाँ देखने आता है, पूछने आता है। हाँ, ये जरूर कर देंगे कि अगली बार जब विधायक जी को वोट चाहिए होंगी तो फिर उनके सड़क भी बनती रहेंगी और उनके जहाँ जहाँ पैर चलते रहेंगे वहाँ जरूर सड़क बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी हमें तो लगता नहीं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि सड़कों को लेकर यहाँ पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी रोड है उस पर चलने में कितनी दिक्कतें आती हैं। तो आप
आपसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपके आसपास भी ऐसी ही कुछ समस्याएं हैं तो उन्हें कमेंट में लिखकर बताएं ताकि हम वहां तक भी पहुंचें और सरकार तक जो आपकी दरख्वास्त है उसे पहुंचा पाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।